हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मीता ब्लॉग एंड रसोई चैनल पर। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट स्पॉन्जी रवा इडली। रवा से आज हम बनाएंगे इडली की रेसिपी। ये जितना सॉफ्ट दिखने में लग रहा है, खाने में उतना ही सॉफ्ट और टेस्टी है। इसे हम मोल्ड में बनाएंगे, इडली सांचे में बनाएंगे और बिना सांचे का भी हम इसे बनाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, ये है इडली रवा। इसे आप कोई भी मॉल से ले सकते हो, कोई भी मॉल में आपको मिल जाएगा ये इडली रवा। अब हम इसको मेजरमेंट करके ही लेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ रवा। देखिए, इस तरीके से मैं ग्लास में मेजरमेंट कर रही हूँ। आप कटोरी या कोई भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ग्लास लेना है रवा। मैं यहाँ पर 3 ग्लास रवा ले रही हूँ और इसी ग्लास से मैं एक दूसरे बर्तन में 1 ग्लास लूँगी उड़द का दाल, ये देखिए। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितना मेथी दाना। तो सबसे पहले हम रवा जो है इसे धो लेंगे। दोनों को एक साथ में बिल्कुल भी नहीं भिगाना है, अलग अलग ही भिगाना है। तो पहले हम रवा जो है इसे अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इस तरीके से पानी डाल के हम इसे ढक के रख देंगे। और ये है दाल। दाल को भी हम 2-3 बार धो लेंगे और फिर हम ढक के रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो देखिए, 4 घंटा हो चुका है, दाल जो है अच्छे से भीग चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें भीगने के लिए थोड़ा टाइम देना होता है। इंस्टेंट बनाएंगे लेकिन टाइम तो भीगने के लिए थोड़ा सा देना होगा, क्योंकि जो रवा है ना वो अच्छे से भीगना चाहिए, तभी जाके जो इडली है सॉफ्ट स्पॉन्जी बनता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो रवा है हम अच्छे से एक बार धोएंगे, इस तरीके से धोएंगे। इसमें अगर कुछ मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाएगा और फिर पानी को छान लेंगे। अब हम इस तरीके से हाथों से निचोड़ के सारा पानी को निकाल देंगे और दूसरे बर्तन में रख देंगे, जिसमें हम इसको रखना चाहते हैं इसी बर्तन में रख देंगे। और दाल को हम मिक्सी जार में डालेंगे। एक साथ में सारा दाल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डाल के इसको पीसना है। इसे हमें लिक्विडी बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छा स्मूथली इसे पीस लिया है। दाल को आप देख सकते हो, इस तरीके से दाल को पीस के हमें रवा के साथ में इसे डाल देना है, मिक्स कर लेना है। तो जितना भी दाल था मैंने 2-3 बार में इसे पीस लिया है। और अब हम इसे एक चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद हमें इसे फर्मेंटेशन के लिए रखना होगा 7 से 8 घंटा के लिए। अगर आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा और नमक का इस्तेमाल करना होगा। तो ये देखिए, मैंने इसे 7-8 घंटा के लिए रख दिया था। और अब मैं इडली कुकर में रखी हूँ पानी गर्म होने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इडली बैटर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ओवरनाइट रखा था, मॉर्निंग में मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा से हमारा जो बैटर है वो फूल चुका है। फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छे से हो चुका है। इससे जो हमारा इडली बनेगा ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगा। तो हमें अगर हम इंस्टेंट बनाते हैं तो इतना जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, तो वो क्या होता है ना, इतना सॉफ्ट नहीं बनता है। मगर आप अगर इस तरीके से रख के अगर बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। तो जितना हम बनाएंगे उसी हिसाब से एक बोल में ले लेंगे, उसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा या पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो ये जो बैटर है ये अच्छे से फर्मेंटेशन हो चुका है। इसमें सिर्फ नमक और परिमाण जितना पानी हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी हम देख लेंगे कितना होना चाहिए, उसी हिसाब से हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे। और ये देखिए, जो बैटर है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, अब आपको दिख ही रहा है कि कितना अच्छे से फूल चुका है, कितना अच्छा फॉर्मेंट हो चुका है। अगर ऐसा बैटर होता है तो इडली तो अच्छा और सॉफ्ट बनेगा ही बनेगा। तो अब हम बनाएंगे इडली। ये देखिए, ये है इडली मोल्ड, जिसमें मैं पहले तेल से थोड़ा तेल लेके ब्रश में करके सब में लगा लूँगी, सांचे में लगा लूँगी। और हाँ, बिना सांचे का भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अगर आपके पास सांचा नहीं है, इडली मोल्ड नहीं है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे और वो भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, मैं आपको उसका रेसिपी भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो पहले आप ये देखिए इस तरीके से हमें हाफ डालना है। अगर आप इसे फुल करते हैं, क्योंकि बाद में है ना ये जब गर्म हो जाता है तो फुल जाता है, इसीलिए हमें इसमें हाफ डालना है। और हम जितना पतला बनाएंगे ये उतना ही अच्छा बनता है। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा इडली ना अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ये देखिए, हम इस तरीके से इडली बैटर को डालेंगे और इसे टैप कर लेंगे। तो अब हम गर्म, देखिए पानी जो है गर्म हो चुका है, मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में गर्म होने के लिए रखा था। इसमें से धुआँ आ रही है,
बस अब हमें एक एक करके इडली का मोल्ड इसमें रख देना है। ये इस तरीके से एक रखेंगे और जहाँ जहाँ पर होल बना हुआ है उसे हम अलग होल के ऊपर नहीं रखेंगे, जैसे इडली के ऊपर होल को रखेंगे, इससे क्या होगा जो स्टीम है ना वो अच्छी तरीके से दूसरे वाले इडली को भी मिल पाएगा और बहुत अच्छे से ये कुक होगा। तो इसी तरीके से हम सारे मोल्ड को रख देंगे और ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम दिखाते हैं, ये देखिए इस कढ़ाई में मैंने स्टैंड रखा है, इसको ढक दिया है पानी को गर्म होने के लिए। इस तरीके से हम कटोरी लेंगे, आप 2, 3, 4 कितना भी कटोरी ले सकते हो और इसे छोटा कटोरी भी ले सकते हो फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे बैटर, इसमें भी हम ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे, बिल्कुल 1 कच्ची जितना ही डालेंगे क्योंकि बहुत मोटा नहीं बनाना है, पतला बनाएंगे लेकिन खाने में ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से जैसे पानी गर्म हो जाएगा हम इस कटोरी के इसके ऊपर रख देंगे स्टैंड के ऊपर और ढक देंगे। तो यहाँ भी हम मीडियम फ्लेम में 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे, दोनों ही 12 मिनट के अंदर हो जाता है, आप चाहे तो 15 मिनट तक भी कुक कर सकते हैं। ये देखिए इडली हमारा फूल चुका है, देखने में आपको समझ में आ रही है, 12 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। जैसे साइड से धुआं धुआं सा दिखेगा तभी आप गैस को बंद कर दीजिए, यहाँ पर धुआं दिख रही है मुझे इसीलिए मैं गैस की फ्लेम को बंद कर चुकी हूँ। तो ये देखिए हमारा इडली बहुत ही अच्छे से फूल चुका है और तैयार भी हो चुका है। अगर आप इस तरीके से कटोरी में बनाते हैं तो 3-4 कटोरी में लेकर आप एक प्लेट में रख दीजिए और उसे स्टैंड के ऊपर रखिए, तो आपका जो है ना एक साथ में 4-5 इडली अच्छा से बन जाएगा। आप जितना मर्जी बना सकते हैं, एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट को रख दीजिए स्टैंड के ऊपर और 10 से 12 मिनट तक इसे पकने दीजिए। तो ये देखिए हमारा जो कटोरी में इडली बना था वो कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब मैं जो मोल्ड में बनाई हूँ उसको भी निकाल रही हूँ, इन सब में थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, अगर गर्म रहता है ना तो थोड़ा सा पानी छिड़कने से अच्छी तरीके से इडली जो है वो निकल जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने रबा इडली बनाया है। तो फ्रेंड्स ये जो है इडली रबा है, ये बिल्कुल भी वो रबा नहीं है जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, ये इडली रबा आपको कोई भी मॉल में मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इडली बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें चटनी का रेसिपी शेयर नहीं किया है, तो मैंने पहले भी बहुत बार चटनी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार है। ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।